शन्नो मित्रः शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शान्ति शान्ति शान्तिः। परमात्मा का फिर ध्यान कैसे करें, यह समस्या खड़ी होती है। अनेक लोग कहते हैं कि कोई रूप नहीं है तो हम ध्यान किसका करेंगे। ध्यान लगाने के लिए कोई रूप तो चाहिए, मन को टिकाने के लिए कोई रूप तो चाहिए, इसलिए हम इसको रख लेते हैं। तो उसका उत्तर है, जिस वस्तु का ध्यान करना है उसके गुणों से उसका ध्यान किया जाता है। तो परमात्मा के जो गुण हैं, निराकार, चेतन, ज्ञान स्वरूप, न्यायकारी, आनंद स्वरूप, जो जिसके गुण हैं उन गुणों का ध्यान किया जाता है। यही वैदिक ध्यान पद्धति है जो आपको यहां पर करवाई जाती है। जिस साकार वस्तु पे हम मन को केंद्रित करते हैं वहां भी तो गुणों से ही करते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात को लिखा, किसी भी वस्तु का ज्ञान उसके गुणों से ही होता है। अब जिस प्रतिमा को हम देख रहे हैं, जो सामने है, उसको हम कैसे जान रहे हैं? तो कहें कि दिख रही है। दिख रही है मतलब क्या है? उसका रूप है। तो रूप एक गुण है, इसको भी हम गुण से ही जान रहे हैं। भाई हम इसको छू सकते हैं, स्पर्श है इसमें, तो स्पर्श भी एक गुण है। हम इसको उठाएं तो इसमें भार है, तो भार गुरुत्व भी एक गुण है। आप किसी भी चीज को देखिए, हम किसी भी वस्तु को चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, गुणों से ही जानते हैं। आज आपने जो भोजन किया, क्या आपने जाना उस भोजन को? हाँ जाना, ये वस्तुएं थी। अपने हमने वस्तुओं को जाना या गुणों को जाना? प्रतीति तो यही होगी कि हमने वस्तुओं को जाना, लेकिन रोटी को भी हमने कैसे जाना? उसके आकार से जाना, रूप से जाना, ये रंग है, ये चुपड़ी हुई है, नरम है, सख्त है, ये स्वाद है, तो इसका ये रस है, ये रूप है, उसमें गंध भी आती है रोटी में, सब्जी में। गुणों से ही तो जानते हैं हमेशा। जब मूर्ति पे भी ध्यान लगाते हैं तब भी तो गुणों से ही ध्यान लगाते हैं। गुणों के अतिरिक्त कोई ध्यान कैसे कर सकता है? गुणों से ही ध्यान होता है। तो जिस वस्तु में जो गुण होते हैं उसका ध्यान उसी के गुणों से किया जाता है। ये शुद्ध ज्ञान है, ये सही प्रक्रिया है। तो परमात्मा में जो गुण है उनका ध्यान करना परमात्मा का ध्यान है, और जो गुण परमात्मा में नहीं है उनका ध्यान करना परमात्मा का ध्यान करना तो नहीं कहला सकता। अब यदि हम वायु का ध्यान करें और अग्नि के गुणों को ले आए, लपट वाला, गर्म, तो वायु का ध्यान तो नहीं कहलाएगा। हम भूख का ध्यान करें, भूख लगती है, और गुण देखने लगे प्यास वाले ऐसे ऐसे, उसको भूख का ध्यान तो नहीं कहलाया जाएगा। हमें अपने बच्चे का स्मरण आ रहा है, बच्ची का स्मरण आ रहा है, उसका ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रूप नहीं है उसका ध्यान करेंगे तो ये उसका ध्यान नहीं कहलाएगा, ये किसी और का ध्यान कहलाएगा। जिस जिस का भी हम ध्यान करते हैं उसके अपने गुणों से ही करते हैं। आप अभी बैठे बैठे अपने घर का ध्यान कर सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने घर के गुणों को छोड़ करके पड़ोसी के घर का जो रंग रूप है उसको मन में ले आएं और ये कह सकते हैं कि मैं मेरे घर का ध्यान कर रहा हूं?
नहीं कह सकते, ये अज्ञानता कहलाएगी, भ्रांति कहलाएगी, दोष कहलाएगा। तो जिस भी वस्तु का ध्यान होता है वो उसके अपने गुणों से होता है, तो परमात्मा का ध्यान भी उसके अपने गुणों से ही हो सकता है। यदि वैसे ही एकाग्रता करनी है तो कहीं भी टिका लीजिए, जहां रुचि हो वहां टिका लीजिए, लेकिन उसको भगवान मत कहिए। यदि मन को ही एकाग्र करना है तो आप दीपक पे कर लीजिए, पुष्प पे कर लीजिए, कोई बिंदु पे कर लीजिए, कहीं भी टिका लीजिए, ये तो हो सकता है। मन को एकाग्र करने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग, किसी रूप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको भगवान नहीं कहेंगे, उसको भगवान की पूजा नहीं कहेंगे, उसको भगवान का ध्यान नहीं कहेंगे, वो एकाग्रता का अभ्यास है। तो इसलिए मूर्ति पूजा वेद सम्मत भी नहीं है, युक्ति और तर्क संगत भी नहीं है। आगे, क्या माला का जाप करने से कोई लाभ होता है? कुछ तो होता ही है। अगर कोई व्यक्ति माला जपने में लगा है और मन को भी वहीं टिका रखा है, मन को भी वहीं टिका रखा है, तो कुछ तो एकाग्र होगा, और उसको यह भी पता लग जाएगा कि कितनी बार जप किया है। माला इसीलिए तो फेरते हैं, 108 उसके मणके होते हैं, अथवा कुछ भिन्न भी होते हो, कहीं गणना करते हैं, एक माला फेरी, दो माला फेरी, संख्या की गणना उससे होती है। लेकिन हम करने क्या बैठे थे? जप करने बैठे थे। जप क्या है? हम जप को ये समझ लेते हैं परमात्मा के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम को बार बार बोलना। जो भी कोई व्यक्ति जो भी नाम लेता हो, बस नाम के उच्चारण को ही हम जप समझ लेते हैं। ये जप का स्थूल रूप है, शब्द को बोलते जाना। लेकिन जब हम शब्द को ही जप समझते हैं और जब अधिक से अधिक करना चाहते हैं तो हम शब्द को बार बार बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं, और तेजी से बोलते हुए हम गिन तो नहीं सकते, तो गिनने के लिए हमें माला की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? क्योंकि मात्र उच्चारण को जप समझ लिया गया, और जितनी बार उच्चारण करेंगे उतना जप हुआ, उतना अधिक जप हुआ, उतना अधिक लाभ होगा, ये समझ लिया गया। लेकिन ये जप की विधि अपूर्ण है। योग दर्शन का सूत्र है, तज्जपस तदर्थ भावनम, शब्द का उच्चारण और अर्थ की भावना। अर्थ की भावना मुख्य है। शब्द हम क्यों बोलते हैं? हम बातचीत में भाषा बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि शब्द के बोलने से शब्द का अर्थ साथ में आ जाता है। शब्द केवल शब्द के लिए नहीं बोला जाता। हम वैसे ही शब्द बोलते रहे, सामने वाला उसका अर्थ ना समझता हो, दूसरी भाषा को जानता है, हमारी भाषा नहीं जानता, तो वो शब्द का बोला जाना व्यर्थ है। ऐसा ही हमारे लिए भी, शब्द अर्थ के लिए बोला जाता है। ये छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब दोनों में से मुख्यता किसकी हुई, शब्द की या अर्थ की? अर्थ की हुई, क्योंकि शब्द तो अर्थ के लिए था, और जिस समय अर्थ आ गया उस समय शब्द बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। जब अर्थ चल रहा है, अर्थ की भावना चल रही है, तो अब शब्द की भी आवश्यकता नहीं है वास्तव में। लेकिन चूंकि हम अर्थ की भावना वैसे नहीं कर पाते, इसलिए शब्द को आधार बनाते हैं, शब्द का उपयोग करते हैं।
तो अर्थ रहित भावना रहित शब्द का उच्चारण विशेष लाभदायक नहीं है, केवल कुछ एकाग्रता आएगी, लेकिन परमात्मा के जो संस्कार मन पे डालने वो नहीं डलेंगे। अर्थ की भावना जितनी गहराई से करेंगे वो ही मुख्य है। शब्द यानी जप चाहे एक बार करें, चाहे 10 बार करें, चाहे 100 बार करें, वो मुख्य नहीं है। इसलिए वैदिक रीति से पातंजल योग दर्शन ऋषियों की परंपरा में जब जप किया जाता है तो माला की महत्ता ही नहीं रहती, वहां गिनने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वैदिक रीति से माला को फेरना अनावश्यक है। हां, इससे हानि भी होती है। अब हम उसको करेंगे तो गणना भी तो करेंगे, मन वहां भी तो जाएगा, उतना उतना मन वहां जाएगा, अर्थात उतनी उतनी देर हम परमात्मा से दूर हटेंगे, वो पाठक बनेगा। आगे चल करके जब व्यक्ति भावना की गंभीरता में जाता है उसके लिए ये माला भी बहुत बाधक है, वो क्यों अपनी वृत्ति वहां पर लगाएगा, इतनी देर में तो परमात्मा का ही ध्यान करेगा। तो वैदिक रीति में, वैदिक परंपरा में इस माला की कोई आवश्यकता नहीं है, उल्टा गंभीर साधकों के लिए ये हानिकारक है। इस बात को समझेंगे तो क्या माला का जाप करने से कोई लाभ होता है, उनके लिए है जो कुछ भी नहीं करते, वैसे जब करेंगे नहीं लेकिन माला के माध्यम से कुछ कर लेंगे, उनकी अपेक्षा से है। लेकिन आपको वहां तक नहीं रहना है, आपको तो बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो वहां तो ये माला छूटी जाएगी, शब्द भी छूट जाता है, जप का जो शब्द है वो शब्द भी छूट जाएंगे। इसको एक उदाहरण से और मैं स्पष्ट कर दूं कि हम साइकिल चलाते हैं, पेडल मारते हैं, किस लिए मारते हैं, गाड़ी आगे चले, साइकिल आगे खिसके, और कहीं पहाड़ी में या ढलान में साइकिल वैसे ही चलती जा रही है खूब तेज, तो हम क्या करते हैं, पेडल मारना छोड़ देते हैं। क्यों? सिद्धांत अगर पिछला किसी ने पकड़ रखा है, पेडल चलाएंगे तो साइकिल चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, अब ये यहां काम नहीं करेगा। वो अपनी जगह ठीक है कि पैडल चलाने से साइकिल चलती है, लेकिन यहां अब पैडल चलाना का कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी वैसे ही बहुत तेज चल रही है, व्यर्थ है, वो छोड़ देना है। तो आपको यदि अपनी गाड़ी स्थिर रखनी है सदा, तब तो सदा पैडल मारना होगा, लेकिन आपकी गाड़ी चल रही है, आपको गाड़ी चलानी है, तो वहां अब पैडल मारने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चल पड़ी है। आगे, क्या किसी के शरीर में माता या भगवान आते हैं? तो मैं पहले भगवान का कहूं, भगवान तो है ही, आते क्या है, हैं ही, जो आते हैं वो मानते हैं, वो इसका मतलब है भगवान को कहीं और मानते हैं, भगवान यहां आ गया, भगवान तो है हमारे साथ में, सबके शरीर में है। और माता का मतलब कोई देवी या कोई आत्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये शरीर एक आत्मा के लिए मिला है, उसको स्वाभिमानी आत्मा बोलते हैं, जिस आत्मा के कर्मों के भोग के लिए यह शरीर मिला है, सबको अपना अपना, जिसमें वो नए कर्म करेगा और पिछले कर्मों का भोग भोगेगा, वो एक अकेली आत्मा इसकी स्वाभिमानी आत्मा है, वो उसकी अधिकारिणी है, अधिकारी आत्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी आत्मा का हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता, परमात्मा की व्यवस्था है, दूसरी आत्मा ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इस तरह का लोग कहते हैं, लोक में प्रचलन में है, वो बहुत से मानसिक स्थितियां विशेष होती हैं, कुछ रोग होते हैं, कुछ काल्पनिक होते हैं और कुछ दिखावे ढोंग भी होते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य अपने सभी कर्म इस जन्म में ही भुगत लेता है,
इस जन्म में नहीं भुगतता। तात्पर्य ये कि इस जन्म में जिन कर्मों को किया है उन सब कर्मों को इसी जन्म में भोग लेता है, तो नहीं भोग पाता। इस जन्म में किए हुए कर्मों को बहुत थोड़ा सा भोग पाता है, बहुत थोड़ा सा। इस जन्म में जिन कर्मों को भोगता है वो पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के भी सब कर्मों को इस मानव शरीर में नहीं भोग पाता है, कुछ को भोगता है। तो पिछले बिना भोगे हुए कर्म भी हमारे बचे हुए रहते हैं और इस जन्म के नए किए हुए कर्म भी बहुत सारे रहते हैं, और उनमें से फिर थोड़े थोड़े के आधार पर ईश्वर विभिन्न शरीरों को प्रदान करता है और उनको आत्मा भोगता जाता है। आगे इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो मनुष्य अपना सभी कर्म इस जन्म में भुगतता है तो अगले जन्म में कोई मनुष्य लूला लंगड़ा प्रज्ञा चक्षु ही पैदा होता है तो वो किस जन्म का फल है? तो पहली बात तो समाप्ति हो गई कि सब कर्मों का फल इस जन्म में भोगा जा सकता है, भोग ही नहीं सकते। कुछ बुरे कर्म ऐसे हैं जिनका फल मनुष्य शरीर में भोगा ही नहीं जा सकता, अन्य शरीर में जाना ही पड़ता है, या भोग ही नहीं सकते, वो स्थिति ही नहीं है। और इतने ज्यादा कर्म हैं कि थोड़े से काल में वो भोगे ही नहीं जा सकते, उसके लिए बहुत लंबा काल चाहिए, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष चाहिए, इतना काल चाहिए। इतने ज्यादा कर्म हम इस थोड़े से काल में कर लेते हैं, लेकिन आगे जो इनका प्रश्न है, पिछले कर्म बचते हैं तो भी, इनके प्रश्न की दृष्टि से तो समाधान है कि पिछले कर्मों के अनुसार लूला लंगड़ा और प्रज्ञा चक्षु बना है, लेकिन यहां भी ध्यान देने की बात है कि कोई बच्चा यदि लूला लंगड़ा है या कोई प्रज्ञा चक्षु हो गया है किसी रोग के कारण से, तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसके पिछले कर्म बुरे थे। अपने पिछले कर्मों के कारण ही ये विकृतियां नहीं आती हैं, ये विकृतियां माता पिता के दोष के कारण, चिकित्सक के दोष के कारण, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में सही चिकित्सा ना होना, सावधानी ना रखना, इन सब कारणों से दूसरे अन्यायपूर्वक भी कर देते हैं। जन्म के समय ही यदि ऐसा आघात लग जाए, कोई नाड़ी दब जाए, तो उसको बच्चे को लकवा हो सकता है बचपन से ही, ये बच्चे के कर्म का फल नहीं है, चिकित्सक की असावधानी का दुष्परिणाम है, दूसरे के द्वारा किया गया अन्याय है। इन स्थलों पर परमात्मा उनकी क्षतिपूर्ति करता है आगे यथा समय। इसलिए किसी को लूला लंगड़ा देख के बचपन से उसे उसके कर्मों का फल नहीं समझना चाहिए। हां, जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किस परिवार में जन्म हुआ यह अपने कर्मों के अनुसार है, उस परिवार के माता पिता के शरीर के जैसा हमारा शरीर बना यह हमारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन ये जो बातें यहां लिखी हैं, अब किसी को पोलियो हो गया, ये तो बचपन से तो ऐसा पैदा नहीं हुआ था, और आज चिकित्सा करने से उसके रोगी कम मिलते हैं हमें, तो ये तो मनुष्य कृत है, असावधानी के कारण से है, ये कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हां, दूसरे के द्वारा अन्याय हो गया है तो उसकी पूर्ति परमात्मा के द्वारा होती है।